हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वॉल वेलकम टू शिक्षा कैसे आप सब आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मजा आ रहा होगा कंटेंट देख करके ठीक है रेगुलर कंटेंट अब आपको मिलता रहेगा और बस आपने पढ़ते जाना है शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस रखेंगे ज़्यादा लंबी वीडियोस आपको नहीं देंगे ताकि आप इजीली अपने सेल्फ स्टडी पीरियड में वीडियोस को देख सकें और अपनी रिवीजन कर सकें ट्रैक पकड़ सकें ठीक है चलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड हम कर रहे थे पार्ट दो अभी तक देख चुके हैं ये थर्ड पार्ट होगा आपका और राइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज चलिए तो पार्ट थ्री शुरू करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो इस पार्ट में हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स की और स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की ये दो एरियाज जो है हमने कवर करने हैं ये दो चैप्टर देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये मैं आपको सारे का सारा जो ऑफिशियल गैजेट में आपका पब्लिश होता है ना उसमें से पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो अगर आपने कभी ऑफिशियल गेजेट या ऑफिशियल लॉ खोल के देखा हो एक्ट जो ऑफिशियली पब्लिश होता है चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड होता है ठीक है तो हम भी वो चैप्टर्स के हिसाब से ही कर रहे हैं तो दो चैप्टर्स हमने इस ऑफिशियल कोड के अब करने हैं स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड और स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट से, से रिलेटेड ठीक है चलिए तो पहले स्टैंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली है क्या स्टैंडिंग ऑर्डर इज़ लाइक अ फॉर्म ठीक है स्टैंडिंग ऑर्डर एक फॉर्म फ्रेम करना होगा इम्प्लॉयर्स को जिसमें कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जैसे ये एक फर्स्ट शेड्यूल है ठीक है शेड्यूल्स होते हैं ना जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल्स हैं वैसे ही हर एक्ट में या बिल में या कोड में भी शेड्यूल होते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या क्या होना चाहिए ठीक है तो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या क्या होगा कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर कि एक ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट वर्कर है उसके अंदर टेम्प्ररी वर्कर भी हैं अप्रेंटाइस भी हैं प्रोबेशनरीज भी हैं बदलीज भी हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट भी है तो उनको उसमें पूरा मेंटेन करके रखना होगा कि भाई कितने परमानेंट वाले हैं कितने टेम्पररी वाले हैं कितने अप्रेंटाइज वाले हैं कितने प्रोबेशनर वाले हैं ठीक है जी उसके बाद मैनर ऑफ इंटीमेस्टिंग टू वर्कर्स पीरियड्स एंड आर्स ऑफ वर्क हॉलीडेज़ पे डेज एंड वेज रेट्स ठीक है जी तो किस तरह से आप वर्कर्स को कन्वे कर रहे हो कि क्या उनका आर्स ऑफ वर्क होगा पर डे का उनको कितने पैसे मिलेंगे क्या वेज रेट है शिफ्ट वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अटेंडेंस एंड लेट कमिंग से रिलेटेड रूल्स होने चाहिए कि अगर आप लेट कमिंग है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप किसी के लेट आने पे पैसे काट रहे हो तो उसमें आपको स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा अटेंडेंस से रिलेटेड भी आपको लिखना पड़ेगा कि कितनी छुट्टी एक महीने में अलाउड है कितनी छुट्टी के बाद पैसे कटेंगे ठीक है जी कंडीशन ऑफ प्रोसीजर इन अपलाइंग फॉर एंड द अथॉरिटी विच में ग्रांट लीव एंड हॉलीडे कि अगर छुट्टी लेनी है तो किस अथॉरिटी को अप्लाई करना और क्या कंडीशन हैं रिक्वायरमेंट टू एंट्री प्रेमाइसिस बाय सर्टन गेट्स एंड लाइबिलिटी टू सर्च लाइबिलिटी टू सर्च में हो गया आपका कोई काम ऐसा है कि जिसमें आपको डाउट है कि कहीं आपके वर्कर्स जो है वो जेब में सामान भर के ना ले जाएं तो आपके उस वो भी आपको जो है प्रोवाइड कराना पड़ेगा स्टैंडिंग ऑर्डर में क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ सेक्शन ऑफ़ द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट temporary stoppage of work and right and liability of the employer and workers arising therefore अगर कोई जो है problem हो जाती है industrial establishment में temporary stoppage of work हो जाता है तो क्या rights and liabilities होंगे जैसे covid के time पर सारी industries and establishments जहाँ close down हो गई थी तो ऐसे time पर industry की employer की और employee की, की क्या जो है सारे rights and liabilities होंगे वो आप इसमें define करते हैं termination of employment के बारे में suspension और डिसमिसेबल फॉर मिसकंडक्ट अगर किसी वर्कर को निकाल दिया जाता है फॉर मिसकंडक्ट और राइट मीन्स ऑफ रिड्रेस फॉर वर्कर वर्कर के पास क्या क्या जरिए हैं कि अगर उसको लगता है कि उसको ट्रीटमेंट जो है वो अनफेयर मिला है तो वो किस तरह से जो है एम्प्लॉयर्स या सर्वेंट uh, uh, जो एजेंट्स हैं एम्प्लॉयर के उनसे रिड्रेसल uh, ले सकता है एनी अदर मैटर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट प्रोवाइड करती है ठीक है तो ये आपको पॉइंट्स याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है एक ब्रीफ आइडिया आपको हो गया कि स्टैंडिंग ऑर्डर में बेसिकली uh, बताया गया है कि इम्प्लॉयर और इंप्लॉइज के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगा क्या उनके बीच में ओपननेस रहनी चाहिए और कैसे वो एक दूसरे से डील करेंगे ठीक है जी तो ये एक बेसिक आपको स्टैंडिंग ऑर्डर समझ आ गया कि है क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में इंफॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइडेड है अब स्टैंडिंग ऑर्डर क्या सारी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स को स्टैंडिंग ऑर्डर से कंप्लाई करना है नहीं जो ये स्टैंडिंग ऑर्डर वाला प्रोविजन है ये सीधा सीधा कोड के अंदर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ उन इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट्स को पब्लिश करना है सिर्फ उन इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट्स को लेकर के आना है जहाँ पे 300 और मोर देन 300 हंड्रेड वर्कर्स आर इम्प्लॉयड और वर इम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स जहाँ पर 300 या 300 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं जहाँ पे 300 से 300 सौ ज्यादा लोग इम्प्लॉयड हैं उन्हीं इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट्स को स्टैंडिंग ऑर्डर जो वो है वो पब्लिश करने हैं 300 से कम वालों को यह करने की जरूरत नहीं है यह बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर ठीक है तो जब ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा तो सबसे पहले तो यह कह दिया गया कि जैसे ही ये कोड लागू होता है जैसे सितंबर 2020 में अगर ये कोड लागू हुआ तो वो सारी स्टेब्लिशमेंट जहां पर 300 से प्लस वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको विद इन सिक्स मंथ्स जो है अपना ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना है ठीक है अब ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करने में इंप्लॉयर को अपनी ट्रेड यूनियंस जो उसके इस्टेब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियंस काम कर रही हैं या जो रिकोगनाइज नेगोशिएटिंग यूनियंस हैं या नेगोशिएटिंग काउंसिल्स हैं नेगोशिएटिंग यूनियंस और नेगोशिएटिंग काउंसिल्स के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं तो किसी ने अगर वो नहीं देखा तो वो देख लो देखो वीडियो सारी अपने आप में अटैच्ड होती हैं तो सीधा अगर आप थर्ड पार्ट देख रहे हो तो बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा जैसे अभी मैं आपको स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट पढ़ाऊंगा तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की डेफिनेशन ऑलरेडी वीडियो नंबर में डिस्कस कर चुका हूं। वो भी ट्रेड तो यूनियंस तो, को नेगोशिएटिंग यूनियन को नेगोशिएटिंग काउंसिल को, को जब वो ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है उसके बाद अल्टीमेटली जब ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है तो द एम्प्लॉयर विल फॉरवर्ड द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर फॉर सर्टिफिकेशन फिर उसकी सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी एक सर्टिफाइंग ऑफिसर होगा सरकार का जिससे उसको सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी अब अगर किसी एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन नेगोशिएटिंग यूनियन या नैगोशिएटिंग काउंसिल अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया लेकिन वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर से खुश नहीं है सेटिसफाइड नहीं है तो वो एक अपील फाइल कर सकते हैं विद इन सिक्सटी डेज ठीक है विद इन सिक्सटी डेज टू द एपेलेट अथॉरिटी अब ये एपेलेट अथॉरिटी भी जो है सरकार चुनेगी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर है सरकार का जिसके पास पहले ड्राफ्ट जा रहा है सर्टिफाई होने के लिए या फिर ये जो एपीलेट अथॉरिटी है जिसके पास इंप्लॉयर इंप्लॉई ट्रेड यूनियन नेगोशिएटिंग यूनियन नेगोशिएटिंग काउंसिल जा रहे हैं अगर वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है ये दोनों के दोनों जो है इनके पास सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं इन दोनों के पास सिविल कोर्ट्स के पावर होते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपने ध्यान में रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं टाइम लिमिट क्या है अगर आप किसी इंप्लॉय अगर कोई एम्प्लॉयर जो है किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करता है उसको सस्पेंड कर देता है एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो क्या टाइम के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है ठीक है आ, उसके ऊपर चार्जेस है उसके ऊपर चार्जेस हैं कि उसने कुछ गलत किया है अभी वो प्रूफ नहीं हुए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इंक्वायरी चल रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन आपने कितने समय के अंदर अंदर खत्म करना है और जब जितना समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसकी वजह से वो इंप्लॉयी सस्पेंडेड है उतने समय में आपने उसको क्या कुछ पे करना है उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है तो सबसे पहले अगर वर्कर सस्पेंडेड है एम्प्लॉयर ने सस्पेंड कर दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो क्या लिखा गया है सीधा सीधा कहा गया है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन सच इन्वेस्टिगेशन शुड शुड बी ऑर्डिनरली कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज सस्पेंड करने के 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए ठीक है और जितना समय ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है उतना समय जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर को सब्सिस्टेंस अलाउंस पे करेगा जितना समय इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंप्लॉयर को सबसिस्टेंस अलाउंस पे करना पड़ेगा अब ये सबसिस्टेंस अलाउंस कैसे पे किया जाएगा तो इसके लिए भी लिखा गया पहले नब्बे दिन पहले नब्बे दिन के लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ वेजेस दी जाएंगी पहले नब्बे दिन के लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ वेजेस दी जाएंगी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंप्लाई की सैलरी पंद्रह हज़ार रुपये महीना थी तो पहले नब्बे दिन यानी कि पहले तीन महीने उसको साढ़े सात हजार रुपये हर महीने देने पड़ेंगे आपको ठीक है उसके बाद अगर 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं ख़त्म होती तो 75 परसेंट ऑफ वेजेस आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉय को 75 परसेंट अब पंद्रह हजार का 75 परसेंट आप निकाल लो पंद्रह हजार का 75 परसेंट अगर आप निकाल लो तो उतना आपको जो है एम्प्लॉ को देना पड़ेगा ठीक है तो पहले 90 दिन के लिए 50 परसेंट और अगर 90 दिन से ऊपर जाती है इन्वेस्टिगेशन तो आपको 75 फाइव परसेंट इंप्लॉय को पे करना पड़ेगा ये क्लियरली मैंशन है 90 दिन के अंदर अंदर ऑर्डीनरीली इंक्वायरी खत्म हो जानी चाहिए सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है तो सबसे पहले बताया गया है कि किस केस में स्ट्राइक पर इंप्लॉयज नहीं जा सकते ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो स्ट्राइक पर जाते हैं किस केस में तो सबसे पहले अगर जो हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं विदाउट गिविंग टू द इंप्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन सिक्सटी डेज बिफोर स्ट्राइकिंग साठ दिन के अंदर अंदर स्ट्राइक करने से पहले साठ दिन के अंदर अंदर या दो महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा ठीक है विद इन फोर्टीन डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस अब आपने नोटिस दे दिया आपने कह दिया हमने नोटिस दे दिया लेकिन चौदह दिन भी पूरे नहीं हुए और आपने स्ट्राइक कर दी तो वो भी इलीगल होगा इन दोनों पॉइंट्स में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको स्ट्राइक पे जाने से पहले दो महीने के अंदर अंदर जो है नोटिस देना है दो महीने मतलब सिक्सटी डेज के अंदर अंदर आप नोटिस दे सकते हो बीस दिन पहले पच्चीस दिन पहले तीस दिन पहले चालीस दिन पहले आप नोटिस दे सकते हो ठीक है लेकिन फोर्टीन डेज uh, जो है आपने uh, अगर फोर्टीन डेज से पहले आपने स्ट्राइक पे नहीं जाना नोटिस देने के बाद भी आप चौदह दिन से पहले स्ट्राइक पे नहीं जा सकते चौदह दिन के बाद आप जा सकते हो स्ट्राइक पर ठीक है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक अब आपने नोटिस दिया नोटिस में आपने फॉर एग्जाम्पल आज है आपका फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं आज ट्वेंटी सेवन्थ मार्च है अगर ठीक है ट्वेंटी सेवंथ मार्च है आपने नोटिस uh, में लिख दिया था कि वील गो ऑन स्ट्राइक ऑन ट्वेंटी सेवंथ अप्रैल ठीक है ये आपने लिख दिया था तो आप ट्वेंटी अप्रैल से पहले स्ट्राइक पर चले गए आप पंद्रह अप्रैल को ही स्ट्राइक पर चले गए तो वो भी जो है इलीगल होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलियन प्रोसीडिंग अब कोई कंसिलियन प्रोसीडिंग चल रही है किसी कंसिलेशिएशन ऑफिसर के पास ठीक है आप अपना मुद्दा जो है कंसिलियन ऑफिसर के पास लेकर के गए थे तो प्रोसीडिंग अभी चल रही है तो उसी मामले के से रिलेटेड आप स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे ठीक है क्योंकि प्रोसेस चल रहा है ना कि अब तक तो कंसिलियेशन हो जाए तो स्ट्राइक पे जाने का फायदा क्या है एंड ऑल्सो सेवन डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग अब कंसिलियन प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी हैं ठीक है अब उस ऑफिसर ने अपना डिसीजन दे दिया है तो उस प्रोसीडिंग के खत्म होने के सात दिन बाद तक भी आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते ठीक है उसके बाद अगर किसी ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उस केस में भी पेंडिंग प्रोसीडिंग में भी आप नहीं जा सकते स्ट्राइक के ऊपर एंड इवन जब ये प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी तो उसके साठ दिन बाद तक भी आप जो है स्ट्राइक पर नहीं जा सकते यानी कि दो महीने बाद तक भी आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है किसी आर्बिट्रेटर के पास तब भी आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते और साठ दिन की सा, प्रोसीडिंग खत्म होने के साठ दिन बाद तक भी आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते ठीक है ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच अ सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन अब सेटलमेंट हो गई है अवार्ड हो गया है यानी कि सेटलमेंट होने के बाद डिसीजन ले लिया गया है तो जब भी ये डिसीजन लागू हो रहा है उस पीरियड में भी आप स्ट्राइक के ऊपर नहीं जा सकते चलिए अब किस केस में जो इम्प्लॉयर है या जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है वो लॉकआउट नहीं कर सकती देखो स्ट्राइक और लॉकआउट की डेफिनेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो वन में मैं इसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा जो पार्ट वन था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो वो देख के आना तभी समझ में आएगा कि स्ट्राइक और लॉकआउट में डिफरेंस क्या होता है ठीक है तो नो इंप्लॉयर इम्प्लॉयर भी लॉकआउट पर नहीं जाएंगे अब यहाँ पर कंडीशन सारी की सारी वही हैं बस पहले इंप्लॉयज को बताया गया था कि तुम स्ट्राइक पे नहीं जाओगे अब इंप्लॉयर्स को बता दिया गया कि तुम लॉकआउट नहीं करोगे तो सारे पॉइंट्स सेम है आपको पीडीएफ मिल जाएगा आप रीड कर लेना इसमें कुछ भी अलग नहीं है वही सारी कंडीशंस जो इंप्लॉयिज के लिए थी स्ट्राइक पे जाने के लिए वही सारी कंडीशन इंप्लॉयर्स के लिए है लॉकआउट करने के लिए चलिए फाइनली स्ट्राइक और लॉकआउट को कब इलीगल नहीं समझा जाएगा अब फॉर एग्जाम्पल जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई किसी ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करने के समय स्ट्राइक चल रही थी या लॉकआउट चल रहा था अभी हमने पीछे देखा कि अगर किसी ट्रिब्यूनल में कोई केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि अभी ट्रिब्यूनल में मुकदमा गया नहीं है स्ट्राइक चल रही है और स्ट्राइक जब चल रही है तब ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई ये ये केस तो तो में स्ट्राइक लीगल होगी अगर पहले से चल रही है हा अगर आप ट्रिब्यूनल के पास चले गए किसी मैटर को लेकर के और मैटर को ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है उस चीज से रिलेटेड उसके बाद आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते दो चीजों में फर्क है तो उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई इलीगल स्ट्राइक चल रही थी इन स्ट्राइक कैसे होगी जो अभी हमने पीछे प्रोविजन देखे उन प्रोविजन को अगर फुलफिल नहीं किया तो इीगल स्ट्राइक हो गई ना तो उस केस में अब इीगल स्ट्राइक के चलते हुए जो इंप्लॉयर है उन्होंने भी लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया या इीगल लॉकआउट के चलते हुए इंप्लॉइज ने भी स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी तो इस केस में वो स्ट्राइक या लॉकआउट लीगल माना जाएगा कैसे इलीगल स्ट्राइक चल रही है वर्कर्स ने कंडीशन फुलफिल नहीं की भाई चौदह दिन पहले नोटिस ही नहीं दिया और स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी तो वो इलीगल स्ट्राइक हो गई अब वर्कर्स की इलीगल स्ट्राइक के चलते हुए एम्प्लॉयर ने क्या किया लॉकआउट कर दिया फैक्ट्री पे ताला लगा दिया तो इस केस में क्या क्या कहा जा रहा है कि ये लॉकआउट जो है वो इलीगल नहीं होगा इस लॉकआउट को लीगल माना जाएगा सिमिलरली एम्प्लॉयर ने लॉकआउट लगा दिया बिना इम्प्लॉयिज़ को नोटिस दिए और ये देखते हुए इम्प्लॉयज भी स्ट्राइक पर चले गए तो इस केस में इंप्लॉइज की जो स्ट्राइक है वो इलीगल नहीं होगी हालांकि वो स्ट्राइक भी उन कंडीशंस uh, को फॉलो नहीं कर रही है फिर भी उसको इलीगल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इलीगल लॉकआउट के रिजल्ट में लगी है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी अच्छे से समझ लेना और राइट चलिए तो दो चैप्टर्स छोटे छोटे थे ये हमारे कवर हो गए हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के एंड स्ट्राइक एंड लॉकआउट के और तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट फोर देखेंगे पार्ट्स uh, इसके थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल एंड uh, uh, जो ये इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है थोड़ा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू द वेज कोड पर कवर कर लेंगे इसको जल्दी से uh, अगले चार पाँच दिन में इसको ख़त्म कर देंगे हम ठीक है चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर इसको एंड करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा जितने ज़्यादा यूज़र्स जुड़ते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी आती है पढ़ाने में उतना ज़्यादा आप कहते हैं ना किसी काम को करने में किक मिलती है तो जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो किक मिलती है आ, काम करने में और मज़ा आता है ठीक है बाकी की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है इनको भी ज़रूर देखिए आपके ई के लिए अच्छी खासी रिविजन होगी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय